नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुंडा हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग मराठा साम्राज्य को डिस्कस कर रहे थे, और इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य के प्रमुख पेशवा और उसके शासन काल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने छत्रपति साहूजी महाराज के इतिहास को देखे थे और अन्य छत्रपतियों के इतिहास को देखे थे, और उसके बाद जो वीडियो आया था वो मराठा प्रशासन का वीडियो आया था, जिसमें हम लोग मराठा प्रशासन के जो अष्टप्रधान प्रशासन थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। और उसी में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो एक पद होता था अष्टप्रधान प्रशासन में, वो पद था पेशवा का पद, जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। और बाद में चलकर यही पेशवा का पद शक्तिशाली हो गया और छत्रपति जो है वो कमजोर होते चले गए, और छत्रपति साहू जी महाराज के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसी प्रमुख पेशवा कौन कौन से हुए और उनके शासन का और उनके कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला पेशवा बना वो बालाजी विश्वनाथ, पहला पेशवा मतलब जो पहला प्रमुख पेशवा था वो बालाजी विश्वनाथ था, जिसका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच में रहा। अब इसके बारे में छत्रपति शिवाजी साहू जी के शासनकाल में पेशवा बने, छत्रपति साहू जी के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, और छत्रपति शिवाजी पेशवा बालाजी विश्वनाथ के कठपुतली बन गए, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ समाज साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और काफी अहम फैसले लिए, जिसमें क्या हुआ कि उनकी शक्ति का और उनके प्रसिद्धि में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई। छत्रपति साहू जी महाराज उसके हाथों के कठपुतली बन के रह गए, और बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा वो मराठा के वास्तविक उस समय के वास्तविक शासक के रूप में उभरते चले गए। दूसरा है कि 1714 में कान्हाजी आंग्रे के साथ मिलकर बालाजी विश्वनाथ ने जल सेना की ताकत बढ़ाई, क्योंकि वो जान रहे थे कि आने वाले समय में जो असल शक्ति और असल युद्ध जो लड़ा जाएगा वो जल सेना की लड़ाई होगी। तो उन्होंने कान्हाजी आंग्रे, जो कि मराठा साम्राज्य के प्रथम सिपाह सलाहकार थे, सिपाह सलाहार का मतलब होते हैं दोस्तों जो नौसेना के अध्यक्ष होते थे वो सिपाह सलाहार होते थे, और उनको सरखेल भी कहा जाता था, इसीलिए कान्हाजी आंग्रे को सरखेल आंग्रे भी कहा जाता था। और इन्हीं के साथ मिलकर बालाजी विश्वनाथ जो है वो जल सेना की या नौसेना की काफी सारी ताकत में वृद्धि करवाई। ठीक है दोस्तों, और जिसने 1719 में दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए मराठा को विश्वास दिलाया। अब चूंकि मराठा जो थे समुद्री किनारे, जो महाराष्ट्र के साइड में समुद्र थे, तो उसके किनारे जो जल सेना था उसकी ताकत को उन्होंने बढ़ा रखी थी, तो उस विश्वास से उन्होंने देखा कि हमारी जो जल सेना की ताकत बढ़ गई, अब अपनी थल सेना को वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार करना चाहा। और ये विश्वास उनको तभी आई जब उनका जल सेना जो था वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जल सेना की ताकत बढ़ाने में भी बालाजी विश्वनाथ का काफी ज्यादा योगदान रहा, जो कि कान्हाजी आंग्रे के साथ मिलकर जल सेना की ताकत को बढ़ाया था। उसके बाद सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन खान के सहयोग से मुगल शासक फर्रुख सियर को हराने में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब चूंकि मराठा जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे और दिल्ली में जो मुगल शासक थे उसको हरा करके वहां पे एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे और हिंदू शासन की व्यवस्था करना चाह रहे थे, तो जो फर्रुख सियर थे, मुगल शासक फर्रुख सियर थे उस समय में, उनको हराने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं, जो कि अब्दुल्ला खान और हुसैन खान थे, उन दोनों भाइयों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था, जो कि मुगल बादशाह के बनाने में उनका काफी अहम भूमिका रहती थी, इसीलिए उन दोनों भाइयों को किंग मेकर भी कहा जाता था। तो उन दोनों भाइयों के सहयोग से बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुख सियार को हरा दिया, और उसके बाद जो मुगल शासक बने उनके साथ बालाजी विश्वनाथ की एक संधि हुई। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्रुख सियार को हराने में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसी कारण 1719 में मुगल और मराठों के बीच में एक संधि हुई, जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता था। और उस समय जो शासक बने थे मुगल शासक वो थे रफी उर दर्जात, जो बालाजी विश्वनाथ के साथ जिसकी संधि हुई थी वो थे रफी उर दर्जात मुगल शासक, जिसमें क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो थे रफी उर दर्जात ने साहू जी को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर देता है। अब यानी कि जो मुगल शासक थे वो भी मान लेते हैं कि मराठा का जो उस समय का शासक है वो
महाराज छत्रपति साहू जी हैं, और इसके साथ ही मुगल शासक के तरफ से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल मुहर लग जाता है मराठा के साम्राज्य का। इसी कारण से जब मराठा साम्राज्य का शासक मुगल शासक द्वारा घोषित किया जाता है, तो इसी कारण से बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी महाराज थे, और द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य के बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो यही हमने लिखा, इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कि 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। 1720 ईस्वी में क्या हो जाता है कि बालाजी विश्वनाथ का निधन हो जाता है और उसका जो पुत्र होता है बाजीराव प्रथम उसका पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम जिसका शासनकाल 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी रहा, बाजीराव प्रथम एक प्रमुख पेशवा बने। क्यों बने, क्योंकि 1720 से लेकर 1740 करीब दो दशक 20 वर्षों में उन्होंने 40 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और सभी लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल की, और उसमें प्रमुख जो लड़ाई थे उसमें थे पालखेल की लड़ाई जो कि निजाम के विरुद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में, तो उसके बाद दिल्ली की लड़ाई 1737 ईस्वी में, और भोपाल की लड़ाई जो कि 1737 ईस्वी में हुआ था, ये भी निजाम के खिलाफ ही बाजीराव प्रथम ने लड़ा था, और करीब करीब वो आधे भारत वर्ष को बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य के लिए फैला दिया था। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात मालवा निजाम से संघर्ष कर साम्राज्य का विस्तार आधे भारत वर्ष में कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने अपने सहयोग के लिए उनको बुलाया था, कि बुंदेल के शासक छत्रसाल पे कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करने लग गए थे, तो छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को निमंत्रण दिया कि आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो बाजीराव प्रथम छत्रसाल के पास बुंदेलखंड उनकी रक्षा करने के लिए गए, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक मुस्लिम नर्तक की मस्तानी से हुई और उसी के प्रेम में वो पड़ गए, और बाजीराव प्रथम ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसकी पहली शादी काशीबाई से हो चुकी थी, तो दूसरी शादी मुस्लिम नर्तक की मस्तानी से कर लिए, जिसके कारण उसका काफी तिरस्कार और बहिष्कार हो गया, और बहिष्कार होने के कारण बाजीराव जो थे वो थोड़ा सा शोक में आ गए, शोक में पड़ के वो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 1740 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा नियुक्त हुए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बालाजी बाजीराव के इतिहास को। तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल रहा 1740 से 1761 के बीच में। ये सबसे महत्वपूर्ण पेशवा रहे, क्योंकि इनके शासनकाल में छत्रपति नाम मात्र का था, यानी कि सारा डिसीजन पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा ही लिया जाता था, और साम्राज्य का जो भी विस्तार किया वो अपने दम पे बालाजी बाजीराव ही किए, और इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, नाना साहेब। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इनके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार अपने चरम पर था, और जिसका कारण क्या था, एक प्रमुख योद्धा राघोजी भोसले, तो जिसका कारण राघोजी भोसले नाम का एक प्रमुख योद्धा भी था। राघोजी भोसले ने बंगाल के 6 अभियान की एक श्रृंखला शुरू की, बंगाल में जब राघोजी भोसले ने शुरू किया अभियान, तो 6 अभियानों की एक श्रृंखला शुरू कर दी, और उसी क्रम में उसने उड़ीसा को मराठा के साम्राज्य में मिला लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और उस समय उत्तर भारत में मराठा अपने चरम स्थिति पे पहुंच गए थे साम्राज्य विस्तार के मामले में। तो ये लिखा कि 1751 में बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खां को भी बालाजी भाई विश्वनाथ ने पराजित किया, और बंगाल से करीब 1 से 2 मिलियन रुपए सालाना चौथ देने पे अलीवर्दी खां को मजबूर कर दिया, और जिससे क्या हुआ तो मराठा की जो शक्ति थी आर्थिक शक्ति में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। तो ये एक प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट पॉइंट था कि मराठा के उत्तर भारत के विजय अभियानों में अफगान के अहमद शाह अब्दाली का पुत्र को भारत से खदेड़ दिया। अब जब उत्तर भारत के अभियान किया था, तो जो उत्तर पश्चिम उत्तर भारत थे वहां पे उस साइड में अहमद शाह अब्दाली उनका पुत्र और सेनापति का शासन था, तो इसी क्रम में इन्होंने उत्तर भारत के अभियान में
अफगान के शासक जो थे अहमद शाह अब्दाली, उनके पुत्र और सेनापति को बाहर से भारत से बाहर खदेड़ दिया और 8 मई 1758 तक पेशावर पे कब्जा कर लिया और उत्तर भारत में भी अपना प्रमुख साम्राज्य विस्तार कर लिया। और कहा जाता है एक आंकड़े के अनुसार कि 1760 ईस्वी तक करीब 2.5 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर में टोटल मराठा साम्राज्य का एक क्षेत्र फैल सा गया। तो ये बालाजी बाजीराव के टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य का विस्तार का क्रम चला। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि मराठा तो उत्तर भारत को जीतकर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो वो मराठा के विस्तार से वो उनका चिंता बढ़ने लगा। और उसी समय जो भारत में आप अगर भारत का जो मैप देखेंगे दोस्तों, तो भारत के मैप में जो नॉर्थ में जो इस साइड में आप देखेंगे तो ये पश्चिम की साइड पड़ता है और यहाँ पे जो अवध था, यहाँ का जो अवध का शासक था शुजाउद्दौला, ये भी चिंतित हो रहे थे कि मराठा साम्राज्य के विस्तार से, और यहाँ पे एक रोहिल्ला का सरदार था नजीबुद्दौला, ये भी चिंतित हो रहे थे मराठा साम्राज्य के विस्तार से और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं हमारा क्षेत्र भी मराठाओं हड़प न ले। तो इसी कारण उन्होंने जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और रोहिल्ला के जो सरदार थे नजीबुद्दौला, वो अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उसको नियंत्रण दिया कि आइए और मराठा को आप पराजित कीजिए, हम आप लोग को सहयोग करेंगे। और इसी क्रम में पानीपत की तृतीय युद्ध का लड़ाई लड़ा गया। तो इसी के कारण से जब अहमद शाह अब्दाली का पुत्र को उन्होंने भारत से बाहर खदेड़ दिया तो इसी को बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला से मिल करके मराठा पे आक्रमण करने का एक प्लान बना लिया। तो आइए देखते हैं पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, कहाँ पे, तो पानीपत के मैदान में जो आज के वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। इसमें किस किस के बीच में लड़ाई लड़ा गया, तो अफगान वर्सेस मराठा, ठीक है दोस्तों। अफगान का नेतृत्व करता कौन थे, तो नेतृत्व करता अफगानी का अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहे थे और मराठा का जो नेतृत्व करता थे वो सदाशिव राव भाव थे, जबकि पेशवा उस समय कौन थे, बालाजी बाजीराव, लेकिन मराठा का उस युद्ध में नेतृत्व करता कौन थे, सदाशिव राव भाव। अब क्या था, सैनिक कितने कितने थे, तो अफगान के साथ जो सैनिक थे टोटल वो 1,25,000 माने 1.2 लाख थे और उसके साथ उनके पास तोप और बारूद जो थे वो आधुनिक थे मराठा के कंपेरिजन में, लेकिन वही मराठा के पास केवल 20,000 से 30,000 की सेना थे। क्यों थी, क्योंकि उस समय जो मराठा का अहंकार था अपने चरम पे, सम्राट जो जीत रहे थे तो जिसके कारण मराठा में बहुत सारा अहंकार हो गया था और जिसके कारण जो पड़ोसी राजपूत राजा थे, जो जाट राजा थे, जो राजपूत के राजा थे, उन्होंने मराठा को सहयोग देने से इस युद्ध में सीधे सीधे मना कर दिया, जिसके कारण से मराठा अहमद शाह अब्दाली के सामने बहुत कमजोर पड़ गए और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया और युद्ध में सदाशिव राव भाव जो है वीर गति को प्राप्त कर गए, वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए और मराठा का एक करारी हार हो गई और मराठा की शक्ति वहीं से छीन होना शुरू हो गया, मराठा का पतन होना शुरू हो गया। और उसी युद्ध में जो एक बालाजी बाजीराव का नाबालिग पुत्र था वो भी मारा गया। तो जब मराठा हार गए और सदाशिव राव भाव के मृत्यु के कारण और अपने एक नाबालिग पुत्र के मृत्यु के कारण बालाजी बाजीराव शोक में आ गए और शोक में आकर के उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र एक और पुत्र था माधवराव, वो माधवराव प्रथम जो है वो मराठा के चौथे पेशवा बने। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पानीपत के युद्ध के विषय में कुछ प्रमुख बातें, इसको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जब मराठा अपनी शक्ति खो देते हैं तो फिर माधवराव पेशवा चौथे पेशवा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं माधवराव के बारे में। तो माधवराव प्रथम,
तो माधवराव प्रथम जो थे उनका शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी के बीच में रहा। इन्होंने मराठा शक्ति का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया या पुनर्गठन किया, क्योंकि वो तब मराठा का पेशवा बने जब मराठा पानीपत के तीसरी लड़ाई खो दी थी और मराठा की शक्ति छिन हो गया था, मराठा की शक्ति बिखर गई थी। तो उसने मराठा शक्ति को पुनर्गठन किया। अब पुनर्गठन वो कैसे किया, तो पुनर्गठन करने के लिए इन्होंने चयनित सूरवीरों को, जो मराठा साम्राज्य में चयन किया हुआ कुछ प्रमुख सूरवीर थे, उनको वो आर्थिक स्वतंत्रता दी। और आर्थिक स्वतंत्रता कैसे दी, तो अर्ध स्वायत्त जो राज्य थे, अलग अलग मराठा अर्ध स्वायत्त राज्य में अलग अलग सूरवीरों को बोला जाओ और वहां का कमाल संभालो, वहां का आर्थिक जिम्मेवारी भी तुम्हारी ही है। तो जिन्होंने विभिन्न अर्ध स्वायत्त मराठा राज्यों की कमाल संभाली, तो कौन कौन थे, तो इस तरह से जैसे भोसले जो थे वो नागपुर साइड के क्षेत्र को संभाले, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा या गुजरात आप कह सकते हैं उस क्षेत्र के कमान को संभाला, होलकर जो थे वो इंदौर के क्षेत्र को संभाला, और सिंधिया जो थे वो ग्वालियर उज्जैन या ग्वालियर के क्षेत्र को संभाला। और इसी क्रम में जब ये अलग अलग अर्थ स्वायत्त दी गई तो अलग अलग मराठा के वंशों में टूट गए। तो टूट क्या गए कि मतलब जो उनको अलग अलग राज्य दिया गया था, तो अब वहां के जो भोसले थे या होलकर थे वो खुद ही उस क्षेत्र के मराठा शासक अपने आप को समझने लगे और उन सभी में एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा और लड़ाई संघर्ष शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ कि मराठा की शक्ति दिनों दिन धीरे धीरे कमजोर होते चली गई, क्योंकि उनमें आपस में टकराव होते चला गया। तो जब मराठा बिखर गए तो उनमें से प्रमुख जो वंश उभर के आए वो भोसले वंश थे जो नागपुर क्षेत्र में उभरे, गायकवाड़ वंश बड़ौदा गुजरात क्षेत्र में उभरे, होलकर वंश जो इंदौर क्षेत्र में उभरे, और सिंधिया वंश जो थे वो उज्जैन और ग्वालियर के क्षेत्र में बाद में जाकर के उभरे। तो जब अर्थ स्वायत्त दी गई तो कुछ हद तक जब शुरू में पुनर्गठन किया गया था तो वो कैसे हुआ था इसको जरा से देखते हैं। तो मल्हार और होलकर जो थे वो राजपूतों को हराने के बाद राजस्थान में मराठा शक्ति को कायम किया, जो राजस्थान के क्षेत्र में जो राजपूत राजाओं थे जो कि तृतीय पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को साथ नहीं दिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था मराठाओं के चंगुल से छूट के, तो फिर से मल्हार और होलकर ने राजपूतों को हराने के बाद मराठा शासन उधर कायम किया। फिर होलकर जो थे इंदौर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए। उसी क्रम में महाजीत सिंधिया जो कि रोहिल्ला और जाट, वो भी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को साथ नहीं दिया था, तो रोहिल्ला और जाटों को हराने के बाद दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में महाजीत सिंधिया ने मराठों का शासन को कायम किया। और उसके बाद जो सिंधिया आए वो उज्जैन और ग्वालियर के क्षेत्र में धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए और उधर ही उसका वंश का विकास हो गया। लेकिन शुरू में फिर तुकाजी होलकर जो थे वो गजेंद्रगढ़ की लड़ाई में टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और तुंगभद्रा नदी के तट तक मराठा साम्राज्य को कायम फिर से कर दिया। तो इस तरह से कुछ जीतें मिली जिसके कारण से उस समय में माधवराव प्रथम के नेतृत्व में जो थे वो मराठा शक्ति का पुनर्गठन किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट पेशवा बनते गए उनमें क्या हुआ कि वो इतने दूरदर्शी नहीं थे, उनमें लालच आ गया, उनमें स्वार्थ आ गया, जिसके कारण मराठा जो थे धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। तो इस तरह से जब ये तीनों लड़ाई हुई तो इस तरह से मराठाओं ने निजाम और टीपू सुल्तान को भी चौथ देने पे मजबूर कर दिया। और जब निजाम जो कि हैदराबाद में थे और टीपू सुल्तान जो मैसूर में थे उनसे भी मराठा फिर से चौथ लेना शुरू कर दिया। फिर 1772 में क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, यहाँ तक कि देखा कि फिर से मराठा शक्ति का पुनर्उत्थान हो रहा है, तो शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल शासक थे, मुगल बादशाह दिल्ली में थे, जो कि अंग्रेज के संरक्षण ले चुके थे, वो अंग्रेज के संरक्षण को छोड़ के मराठा के संरक्षण में फिर से आ जाते हैं। लेकिन मैं जैसे आपको बताया कि बाद के पेशवा में लालच और स्वार्थ आ जाता है तथा आपसी लड़ाई में वे मराठा शक्ति आपस में कमजोर हो जाते हैं और फिर अंग्रेजों का मराठा पे कब्जा हो जाता है और मराठा साम्राज्य का समापन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसी में हम देखेंगे कि जो पतन हुआ था तो उसमें तीन आंग्लो और मराठा युद्ध लड़े गए थे, तो वो कौन कौन से युद्ध हैं और उनकी कौन कौन सी संधियां हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को निश्चित रूप से दूसरे दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि
ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ, चौथा है माधवराव प्रथम। बहुत ही आसान का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आसान सा सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। ए ऑप्शन है 4321, मतलब जो पहले जिसका शासन काल हुआ है उसको पहले लिखना है, उसके बाद जो शासन काल है उसके उसको उसके बाद लिखना है। बी है 1234, सी है 3124 और डी है 2134। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।